अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अ न्यू व्लॉग। एक न्यू व्लॉग के साथ हाजिर हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ मदरसा जो मंडी है चिश्तियाँ में, वहाँ पे मौजूद हैं। मेरे साथ वकास है, उसके दो दोस्त हैं। तो हम जानवर खरीदने के लिए आए हुए हैं। तो रात को हम निकले थे न्याजी अड्डे से बस पे, तो रात को मैं वीडियो नहीं बना सका, तो जिसकी वजह से अभी हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं आज का। तो अभी मैं खेतों की तरफ आ गया हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सारी मंडी लगी हुई है। तो मैं साइड पे हूँ, वो अभी जानवर वगैरह परचेज कर रहे हैं। अभी आपकी उनसे भी मुलाकात करवाते हैं। पास आ गया मेरे पास है। और ये खान साहब है, काशिफ साहब। अभी हमने ये एक जानवर परचेज कर लिया है, बेचने के लिए लिया है, इसलिए आपको नहीं बताएंगे कितने का लिया। खान साहब भी हमारे साथ, ठीक है जी। ठीक है, चिश्तियाँ मंडी के लाद तक कुछ महंगे ही हैं। हमने अभी तक सिर्फ एक दो जानवर ही खरीदे हैं। हाँ जी फिर जनाब, मैं अब फिर एक दफ़ा मंडी की तरफ रवा दवा होने लगा हूँ। क्या हालात हैं? बहुत तेज मंडी के हालात हैं, और बहुत यहाँ गर्मी भी बहुत है, और जानवर भी बहुत हैं, और रेट भी बहुत ज्यादा है। आप क्या कहते हैं कि गरीब आवाम इस बार कुर्बानी कर सकेगी? इस दफ़ा गरीब की पहुँच से बहुत दूर है, ज़्यादा ये बस कुर्बानी है अल्लाह के लिए है, और अल्लाह ने जिसको हिम्मत और ताकत अता फरमाई वो इंशाल्लाह जरूर करेंगे। जैसे हालात जो हालात चल रहे हैं कोरोना की वजह से, लोगों के कारोबार बहुत ही नाजुक मोड़ पे आ खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से रेट बहुत ज्यादा रेट है, लोग कुर्बानी नहीं कर सके, नहीं कर सके। अल्लाह ताला सबको हिम्मत चाहिए कि इसके बारे में जरा सोचे। बिल्कुल, आप मतलब कि आपका हुकूमत से पैगाम है इसके बारे में गौर फिक्र करें। अभी ये जो जानवर लिया है मैं इसकी चौकीदारी करूंगा, और ये दोबारा जानवर लेने जा रहे हैं। चीनी खंड आला सत्तू पी, भावे भाजी शक्कर आला सत्तू पी, पीती पता लगता जो देखिया पता नहीं लगता। मोहम्मद उस्मान मेले मंडिया तो नमस्ते लैके जाता गे एवं तीन वीर प्राण तैयार करके मोहम्मद उस्मान भावल नगर वाला, और रोटी लेके आवे तो सत्तू पीए मेरा लिए जम शी रू अफा मैंगो स्पैश है। साढ़े को दोन जम शी का ग्लास पीए, रू अफा का ग्लास पीए, एक नंबर स्पैश का ग्लास पीए, मैंगो स्पैश नजारे अंब के, अंब के जाके अंब के नजर अल्लाह की मेहरबानी के नाल। ये जनाब बुद्ध मंडी नमाज तो मेलिया तो ये जनाब रेड़ी जाती है, और अपना नाम रोशन करके आते हैं। मोहम्मद उस्मान सत्तू वाला आ गया रेड़ी लैके, लोग फिर सत्तू की रेड़ी आ गई जो सज धज के, तो काले चौवान का सत्तू पियो मेरे वीरो रज रज के। मोहम्मद सही वफा तूने तो हम कह रहे हैं, ये जहा चीज है क्या बिस्मिल्लाह पढ़ के आओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के सत्तू पियो, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के घर में जाओ अल्लाह की मेहरबानी के नाल शरबत। अभी हम इधर से निकल रहे हैं, हमने जो जानवर लिए हैं वो लोड कर लिए हैं, ये चार बकरे भी लिए हैं, ये भी लोड कर रहे हैं। अभी यहाँ से निकल रहे हैं, फिर हम रास्ते में रुकेंगे, वहाँ पे ट्यूबवेल पे नहाएंगे, और एक नसरे का मशहूर होटल है वहाँ से कट्टा खाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। हाँ जी रशीद खान साहब बताएं फिर।
गड्डी के ऊपर हम मंजे के ऊपर बैठ गए। ये हमारे नीचे जानवर हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। ट्यूबवेल पे तो अगर हम अभी नहाएंगे, नहा के फिर हम चलेंगे। नहा के कहाँ जाना है हमने? अब हम नहा कर नसरे के होटल पे कट्टे का गोश्त खाएंगे। कट्टा मशहूर कट्टा है जो सबको बहुत पसंद है। और अब हम मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। और ये रुक जा, 3, 2, 1। देखो जी विकास साहब नहा रहे हैं, ये भी काशिक साहब हमारे साथ हैं। हेलो कर दे। आज बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं अपने आईफोन को पानी में डालूं, क्योंकि वैसे तो ये वाटरप्रूफ है, लेकिन मैं इसको पानी में नहीं डालूंगा। तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इसको पानी में डालूं। ये ऋषि खान साहब, लाला जी को देखें आप, ये क्या कर रहे हैं लाला जी, ये क्या कर रहे हैं आप। तो अभी मैं भी पानी में जाता हूँ, मेरी वीडियो बनाने वाला कोई भी नहीं है, तो मैं फोन भी पानी में नहीं डालने वाला। ना ये छोटा ही है ना हमारी। नाजरीन आप देख रहे हैं हमें बहुत मजा आ रहा है। फुल एंजॉयमेंट हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ठंडा पानी है, ठंडा यह पानी। ये साइड पे खेत है, ये देख सकते हैं आप, सारे खेत ही खेत हैं। फिर मैंने थोड़ा सा नहा लिया, फिर मैं बाहर निकल के मोबाइल पकड़ लिया, तो बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये कोई प्राइवेट ट्यूबवेल तो नहीं है, किसी का ट्यूबवेल है। उसमें बच्चे भी नहा रहे हैं और हम भी नहा रहे हैं। इसी खान साहब, वकास साहब, काशिक साहब, अभी बहुत नहा लिया है हमने, तो अभी बस निकलने की तैयारी है। तो यहाँ से निकल रहे हैं हम, अभी जाएंगे नसरा का एक होटल है,
आरफ वाले में बहुत मशहूर नसरा कट्टे वाला, तो वहाँ पे जाके हम खाना खाएंगे, आपको भी उसका खाने का टेस्ट बता सकते हैं, खिला नहीं सकते, तो अभी निकलते हैं हम यहाँ से। फाइनली हम पहुँच चुके हैं नसरा होटल के ऊपर, तो अभी यहाँ से खाना खाएंगे, खाना खा के फिर लाहौर की तरफ निकलेंगे। ये बहुत मशहूर है आरफ वाला में नसरे का कट्टा, आप भी अगर कभी इतफाक हो तो यहाँ से ज़रूर कट्टा खा के जाइए। नसरे के होटल पे मशहूर हैं, मंजे के ऊपर बैठे हैं, काश के होश उड़े हुए हैं। काश हेलो, तो भी हम खाना हम टेस्ट बता सकते हैं आपको, खिला नहीं सकते। आसिफ के लिए हमने पैक करवाना है, देखो अब काश के बाद नहीं। आसिफ आप सुनने लोगे वीडियो में, यहाँ आपका बेटा सुन लेगा। हम वो सिटिंग छोड़ें और अंदर आ गए हैं, अंदर आके बैठ गए हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल है, वहाँ पर बाहर देसी माहौल था, यहाँ पर इससे भी ज़्यादा अच्छा माहौल है। फाइनली हमारी नसरा की कढ़ाई आ चुकी है, अब हम खा के फिर आपको टेस्ट बताएंगे। अभी हमने खाना खा लिया है, बहुत ही मज़े का था। बताएं जी साहब कैसा था? हाँ जी, मैं तो आके भी इधर नसरे के होटल पे आता हूँ, और ये मेरे साहब हैं, हम है, और ये आशिफ साहब। आपको कैसा लगा? आपको काज ये काफ़ी देर बाद हमारे साथ आया। आपको कैसा लगा है? चाय टाइम पूरी आ रही रात तो काफ़ी अंधेरा छा चुका है। मेरा ख्याल है आज के ब्लॉग का इख्तिताम करते हैं। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।